तिनसुकिया जिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा विभाजन की राजनीति करती आ रही है। कांग्रेसी नेताओं तथा तथाकथित किसान नेता की ओर से भड़काऊ बयानों के बाद ही इस प्रकार की घटना हुई है। भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रदेश प्रवक्ता रूपम गोस्वामी ने कहा कि जब से राष्ट्रीय नागरिक पंजी और नागरिकता विधेयक का मामला सामने आया है, तब से कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर लोगों को उकसाने का काम किया है, जिसका परिणाम ये तिनसुकिया की घटना है। गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस विकास कार्य में कम, आपस में लड़ाने में ज्यादा विश्वास रखती है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी तथा भाजपा सरकार की कटिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, उग्रवाद मुक्त, प्रदूषण मुक्त और विदेशी मुक्त की नीतियों पर भाजपा अटल है। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद सरकार की ओर से कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार और पार्टी की ओर से प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। वहाँ अभी सारी स्थिति नियंत्रण में है। भाजपा नेता ने कहा कि एनआरसी का कार्य शांति तरीके से हो रहा था, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।